गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फिर से स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में और पहाड़ की नसीन वादियों से। सो आज मैं भी आ रहा हूँ खेत में और ये राजमा के ये फलियां निकाल रहे हैं, साथ में है भाई और ये सारे निकाल रहे हैं आज और यहाँ पे निकाल के स्टोर करने हैं। तो आप बने रहे ब्लॉग में। सो दोस्तों, इन पे ये लगे हैं सोयाबीन और हमें इनको निकालना है और इनको निकाल के हमें डालना है इस कंडे में और इसमें स्टोर करेंगे। तो आप बने रहें ब्लॉग में। साइड के सारे निकाल लिए हैं, ये देख सकते हो आप। तो ये कंडी, बताओ ये एक बार भाई लोगों, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपके लिए आपको गढ़वाल के एक फेमस पौधे जिसका नाम है भांग का पेड़। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, आप देख सकते हैं इसको नजदीक से। और यहाँ इसको भोलेनाथ के प्रसाद के नाम से जाना जाता है। अब मैं मान नहीं सकता इस बात को, ये हकीकत है या इस बात में कितनी सच्चाई है, अनसुलझा रहस्य है। पर ये गढ़वाल में नशे का बहुत बड़ा वो है, इससे इसको पीने वाले बहुत ही मगन रहते हैं, अपनी धुन में वो मधुर रहते हैं। काफ़ी टाइम पहले हमने भी कभी स्टार्ट किया था ये हम भी मगन रहते थे, पर आज छोड़ चुके हैं हम इसको। पर इसको करने का तरीका ये है कि ये जब तेज़ धूप होगी तो ये इस पर जैसे पानी जैसा आता है, काफ़ी चिपचिपा पानी, गोंद टाइप का, तो इसको ऐसे दोनों हाथों से रगड़ना है और हाथों पे एक परत जमती है, उसके बाद उसको किसी साफ कपड़े में निकालना है और वही पर ये एक टैबलेट का निर्माण करती है और उसको आप ऐसे ही खा सकते हो। बहुत सारी दवाई भी बनती है, दूध के साथ मिला के भी इसको खाया जाता है। भले यकीन माने थोड़ा नशा तो लगता है पर सेहत के लिए अच्छा होता है और इसको स्मोकिंग के दौरान भी यूज किया जाता है और इसके पकौड़े भी बनते हैं, इनका नाम भांग पकौड़ा। प्लीज आइए कभी गढ़वाल और जरूर चखिए इनका स्वाद, नशा तो लगेगा पर मजा भी बहुत आएगा। धन्यवाद। सब्जी और साग का बहुत बड़ा उत्पादन होता है भाई लोग, यकीन माने हमको बाजार की कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ दाल यहाँ पैदा हो जाती है, साग सब्जी सब यहाँ पैदा होती है। और ये है ककड़ी, ये है ककड़ियाँ, ये भले थोड़ा पक चुकी हैं पर बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनमें, बहुत ही। अभी नमक पीसा जाएगा, नमक की भी आपको एक क्लिप दिखाई जाएगी और उसके साथ इसको खाया जाएगा। धन्यवाद। ये निकल चुका है कंडा और इसमें है चेंग। और यह है सोयाबीन जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। ये सोयाबीन के पौधे हैं और धूप जब लग जाएगी तो थोड़ा सुखाने के बाद इनको कूटा जाएगा और बाकी ये बीज मैंने आपको बताया था, फली के अंदर से ये निकल आता है बीज और बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही प्रोटीन युक्त ये सोयाबीन होती है। और यहाँ पे दादी बैठी है यहाँ पे। बाकी मौसम आज पूरा पैक है, कल की तरह साफ नहीं है, तो थोड़ा नाश्ता करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको फिर से ब्लॉग में। सो दोस्तों, यहाँ पे अभी माँ जो कि सोयाबीन को अलग कर रही है और माँ ने इनको कूट दिया है और सुप्पे की सहायता से और पंखे की सहायता से ये अलग हो रहे हैं बीज, आप देख सकते हो। ये है प्योर सोयाबीन, नेचुरल, हमारे पहाड़ में उगे हुए नेचुरल सोयाबीन। ये
तो यह है प्योर सोयाबीन, इनसे जो कि सोया बड़ी बनती है, सोया का तेल बनता है, बहुत सारी चीजें, तो हमारी पहाड़ों में सब चीज मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। ये और दादी यहाँ पे ये राजमा ये फलियों को अलग कर रही है, और ये राजमा की दाल। सो दोस्तों, कुल मिला के हमारे पहाड़ों में सब कुछ प्योर मिल जाता है, आपने देखा होगा, सोयाबीन, राजमा की दाल, सब्जी में सब कुछ, और सब चीज यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, और आपने व्लॉग के माध्यम से देख ही लिया होगा। सो आज के व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे अपनी पहाड़ी लाइफस्टाइल। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।